हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बेट विजन। दिस इज साहिल मलिक, यूर होस्ट एंड योर वेट। तो गाइस, आपने पैरालिसिस के बारे में सुना होगा कि कॉमनली डॉग को पैरालिसिस हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पैरालिसिस के अंदर आपको कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि आपको अपने डॉग के अंदर देखने को मिलेंगे, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं आशा करूंगा आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए गाइस, करते हैं हम वीडियो की शुरुआत। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिम्टम ऑफ पैरालिसिस इन डॉग, यानी आज हम डिस्कस करेंगे सिम्टम्स के पैरालिसिस के। सबसे पहले आपको अपने डॉग में इनएबिलिटी टू मूव और रिलक्टेंट टू मूव, इसका मतलब गाइस क्या होता है, आपका जो डॉग है वो मूव नहीं कर पाएगा, एक जगह से दूसरी जगह पे जा नहीं पाएगा। सबसे पहले नंबर पे सिम्टम आपको ये देखने को मिलता है। सेकंड इज इनएबिलिटी टू ब्लिंक, उसके जो पलकें होती है जब हम ब्लिंकिंग करते हैं तो वो ब्लिंक नहीं कर पाएगा, सबसे बड़ा मेन सिम्टम ये भी नजर आता है। आगे आता है रियर लेग्स ड्रैगिंग व्हेन वॉकिंग, जब वो चलने की कोशिश करेगा तो जो उसके जो रियर जो लेग होते हैं ना, यानी जो पीछे वाले जो पांव होते हैं वो ड्रैग करना स्टार्ट कर देंगे। और साथ में इनएबिलिटी टू यूरिनेट, यानी जैसे आपका डॉग यूरिनेशन करने के लिए ट्राई करेगा बट वो यूरिनेट कर ही नहीं पाएगा, इतनी ज़्यादा समस्या हो जाती है पैरालिसिस के अंदर, और वो वहीं यूरिनेट कर देता है, वहीं अपना फीकल जो मटेरियल है उसको डिस्चार्ज कर देता है, जो कि बहुत एक भद्दा लगता है देखने में। पाँचवें नंबर पर आता है एबनॉर्मल आई मूवमेंट, जिसको हम एटेक्सिया बोलते हैं, यानी इसमें ना आई मूवमेंट आपको अजीब अजीब देखने को मिलेगी, अजीब अजीब ऐसे, जैसे हम देसी लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि किसी की आंखें जैसे अगर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, यानी वो अगर ऐसे देख रहा होता है लेकिन हमसे बात डायरेक्टली कर रहा होता है, तो वैसा ही जो जिसको हम देसी लैंग्वेज में बहंगापन बोल देते हैं, वही बहंगापन पैरालिसिस में अंदर आपको डॉग में देखने को मिलेगा। आपका डॉग ड्रूलिंग करेगा, ड्रूलिंग का मतलब होता है एक्सेसिव अमाउंट में जो लार जो उत्पन्न होती है उसको ड्रूलिंग बोला जाता है। आपके डॉग में वीकनेस आएगी, यानी कमजोरी आ जाएगी, कमजोरी तो आनी ही है बिकॉज वो उसको भूख ही नहीं लगेगी, खाना पीना अच्छे से नहीं करेगा, वो अच्छा ही नहीं है तो उसको भूख तो लगेगी, भूख नहीं लगेगी। आठवें नंबर पे आता है ड्रॉपिंग आईलिड्स, इसके अंदर जो आईलिड्स होती हैं वो बिल्कुल ड्रॉप्ड चली जाएगी, यानी बिल्कुल डल पड़ जाएगी नीचे की तरफ। कॉन्स्टिपेशन होगा आपके डॉग को, कॉन्स्टिपेशन यानी जिसको हम कब्ज बोलते हैं, इसमें आपको हेड टिल्टिंग देखने को मिलेगा। हेड टिल्टिंग मतलब जैसे अगर वो हम सीधे ऐसे बैठते हैं लेकिन वो यूं करके बैठेगा तो जो उसका हेड है ना वो थोड़ा सा टिल्ट कर जाएगा, यानी ऐसे बिल्कुल पैरालाइज। आप ऐसे करने की कोशिश करोगे ना, जैसे उसको सीधा करने की कोशिश करोगे लेकिन वो दोबारा से उसी पोजिशन पर चला जाएगा। आगे आपको देखने को मिलेगा लॉस ऑफ वॉइस कंट्रोल, यानी जब वो बार्किंग करने की कोशिश करेगा, भौंकने की कोशिश करेगा तो वो कंट्रोल ही नहीं होगा उसका, वो चाहता है कि मैं लेकिन वो भूख नहीं पाएगा, तो लॉस ऑफ वॉइस कंट्रोल। मसल मास लॉस, यानी बॉडी के अंदर अगर किसी भी पार्ट का, अगर मान लो हम हिप डिस्प्लेशिया की बात करते हैं तो उसमें जो हिप जो बोन होती है वो अफेक्टेड रहती है, अगर हिप बोन अफेक्टेड है तो वहां का जो मास है वो लॉस हो जाएगा, तो यही मेंशन किया हुआ है कि मसल मास लॉस। आगे आता है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, यानी उसको सांस लेने में दिक्कत आएगी, पैरालिसिस है बॉडी के अंदर तो सांस लेने में तो दिक्कत आना कॉमनली है, ठीक है। आगे आता है वन आई लुक्स लार्जर देन अदर, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एटेक्सिया होता है तो ये जो एटेक्सिया है इसी से रिजेंबल करता है, इसमें वन आई लुक्स लार्जर, यानी एक आंख आपको लार्ज नजर आएगी देन अदर से। आपके डॉग को वोमिटिंग होगी इस सिचुएशन में, वोमिटिंग का मतलब क्या होता है, उल्टी होना। आपके डॉग को इरिटेशन होगी आईज के अंदर और वहां से एक डिस्चार्ज भी आ सकता है। और गाइस, ये जो डिस्चार्ज है ना दो तरह का हो सकता है, एक तो म्यूकस आ सकता है, म्यूकस का मतलब गाइस आपको बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा दिखेगा, विस्कस मटेरियल नजर आएगा, एक होता है पानी की तरह डिस्चार्ज आना, तो वो पानी की तरह भी आ सकता है। ड्रॉपिंग फूड फ्रॉम माउथ, जैसे आप अपने डॉग को खाना खिलाओगे वो जो खाना है एनगल्फ नहीं कर पाएगा, यानी वो अंदर नहीं ले जा पाएगा और वो बाहर ही उसको ड्रॉप्ड कर देगा। पेन इन स्पाइन, यानी जो स्पाइनल जो रीजन होता है वहां पे आपके डॉग को पेन होगा, लेग्स में पेन होगा और नेक में भी पेन होगा, ये बेसिक एक सिम्टम है, ये नजर आएगा आपको। अगर आप टच करोगे ना, मान लो आपके डॉग की स्पाइन है, स्पाइन पे आप टच करोगे तो टच करते ही आपका डॉग को पेन होगा, तो पेन इन स्पाइन, लेग्स और नेक। आगे आता है इनएबिलिटी टू स्टैंड, अब गाइस पैरालिसिस है, पैरालिसिस के अंदर तो वैसे ही खड़ा नहीं हुआ जाता तो इनएबिलिटी तो आनी ही आनी है स्टैंड करने में। और आगे आता है पेन वॉइस, यानी जिसको हम बोलते हैं ना कि दर्द में अगर कोई करा रहा है तो उसको पेन वॉइस बोलते हैं। तो गाइस ये थे कुछ सिम्टम जो कि आपको पैरालिसिस के अंदर देखने को मिलेंगे आपके डॉग की बॉडी के अंदर। अगर गाइस आपका फिर भी कोई डाउट रह गया हो, आपके डॉग को अगर पैरालिसिस है फिर भी कोई माइंड के अंदर क्वेश्चन आ रहा है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई नहीं मिलता तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है जो, यानी जो हमारा पेज है द पेट विजन करके, उसके ऊपर आप जाके हमें मैसेज कर देना, आपका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।